يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي وال आगे कहते हैं कि जनाब जिस तरह खुशी की रसूमात हैं जैसे जनाब मधु सताइश या कोई मरसिया कोई मनकबत कोई कसीदे पढ़ना तोहफे पेश करना या चरागा करना वगैरह मौके की अहमियत के मुताबिक कम या ज़्यादा इस तरह गम जो है वो या दा जो तकलीफ़ है या परेशानी है उसकी ज़रूरियात जो हैं वो अलग एतबार से माहौल के मुताबिक होती है। जैसे रोना पीटना आह फरियाद और नोहा खानी और बैन करना जब खुशी की रस्मों को अकलमंदी करार दिया जाता है तो ये बड़ी बेइंसाफ़ी की बात है कि हम गम की चीज़ को फेल हराम और नाजायज़ करार देते हैं। यानी हम कहते हैं कि कसीदा पढ़ना ये अच्छी बात है, जब रसूल की विलादत होती है तो हमारे अहले सुन्नत भाई क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं, नाते पढ़ते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, अशआर पढ़ते हैं, लंगर तबर्रुक नियाजें तकसीम करते हैं। तो कहते हैं कि अकली और फितरी तौर पर ये चीज़ मुखालिफ है एक दूसरे के कि खुशी मनाना जायज़ है और गम मनाना जो है वो बुरी बात और नाजायज़ और फेले हराम है, ये अकल के खिलाफ है। अगर उन्हीं शख्सियात की खुशी नहीं मना सकते तो फिर आपका कहना ठीक है कि हम गम नहीं मना सकते, जब खुशी मनाना जायज़ है तो गम मनाना क्यों नाजायज़ है। तो एक फितरी एतबार से ये जो इस बात है एक चीज़ ये होगी। और उसके बाद आगे फिर फरमाते हैं कि ये एक अजीब सी एक जो अकली दलील है एक अलग सी कि गुज़श्ता जो चीज़ें हैं कि सिर्फ आकल और फितरत के पहलू को मलूज़ खाते रखते हुए एक इजमाली खाका जो हमने आपके सामने पेश भी किया कि रोना पीटना और वाह वैला जो है वो आकल के खिलाफ नहीं है। अब हम जो है वो सुन्नत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दिखाएंगे कि गम में हुसैन में हमारा रोना पीटना सुन्नत रसूल है या उसके बरअक्स है। अब जनाब मैं मसलन ये दावा करता हूँ कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुन्नत नबवी भी है और सुन्नत आइम्मा भी है, इससे आगे ये सुन्नत कौली भी है और सुन्नत फ़ेली भी है। यहाँ पर दो चीज़ें ठीक है, यानी इमाम नबी से तीन चीज़ें ठीक है, यानी कौले इमाम फ़ेले इमाम तकरीर इमाम। माशाल्लाह तुलबा उलमा फ़ज़ला मौजूद हैं, आप बेहतर जानते हैं, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता, हम आगे निकलते हैं ठीक है जनाब। यानी सुन्नत कौली है यानी रसूल ने और आइम्मा ने हुक्म भी दिया है, फ़ेली है कि उन्होंने करके भी दिखाया है दोनों चीज़ों से, और ये हम अहले सुन्नत की कुतुब से ये माखूज जो है वो पेश करने लगे हैं ठीक है जी। अब उनकी मोतबर किताबों में कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को बयान किया वो हम अभी जिक्र करते हैं। अच्छा जी, अहले सुन्नत के एक इमाम जो है वो इमाम शाबी ने ये बयान किया है कि काबिले गौर अमर है कि हुसैन जिंदा हैं और रसूल रो रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी दलील है हुसैन। जो लोग ये दलील पेश करते हैं कि जिंदा के लिए तो नहीं रोया जाता, भाई शहीद तो जिंदा है, जिंदा के लिए क्यों रोते हो तुम शिया लोग, तो वहां पर इमाम शाबी ने इस नुक्ते को मलूज़ खातर किया और कॉन्टेड किया है कि जनाब यहां पर क्या है कि रसूल भी जिंदा, रसूल जो है वो भी जिंदा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी जिंदा हैं और रसूल हुसैन के जिंदा होते हुए गिरिया फरमा रहे हैं, ठीक है जी। एक चीज ये, अब जनाब आगे कहते हैं कि जनाब और रसूल रो रहे हैं जिंदा पर रोना अगर सुन्नत नहीं है तो फिर क्या है, जो कि अहले सुन्नत की किताबों में और अहले सुन्नत के मुसन्निफीन ने लिखा है रसूल जिंदा हुसैन जिंदा है और हुसैन को गोद में लेके रसूल रो रहे हैं, और रो कोई ऐसे मौके पे नहीं रहे हैं कि कोई मसलन कोई और वजह थी, नहीं, बल्कि सहाबा को मुखातिब करके कहा कि यही मेरा नवासा है जिसको प्यासा मारा जाएगा, जिसको तीरों तलवार से मारा जाएगा, जिसके ऊपर जुल्म किए जाएंगे, जिसकी औलाद के ऊपर जुल्म, ये जिक्र किया है मुसल्लम हदीस है अहले सुन्नत की किताबों में मुतबर किताबों में मौजूद है, उस मौके पर गिरिया फरमाया। तो ये फेले सुन्नत फेले नबी से मालूम हुआ कि ये सुन्नत नबी है। आगे जनाब और आगे जनाब फरमाते हैं कि मिशकात बाबे मनाकिब अहले बैत, उर्दू तर्जमा मिशकात जिल्द दो में
اور صفحہ نمبر 422 میں حدیث نمبر 5888 مطبوعہ نور محمد اسہل مطابق کراچی جو ہے وہ اس کے مطابق جو اصل مطابق کراچی کے مطابق جو یہ چیز ہم روایت جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کے ساتھ کوڈ کیا ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ام الفضل جو ہے رسول اللہ کی چچی حضرت عباس کی زوجہ کا بیان ہے کہ پس ایک روز میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین کو رسول کی گود میں دے دیا، پس میں ذرا سی دیر کے لیے دوسری طرف متوجہ ہو گئی، اس کے بعد دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرے دریافت کرنے پر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ میرے اس فرزند کو امت جو ہے وہ قاتل کرے گی، میں نے پوچھا اس فرزند کو؟ فرمایا ہاں، مجھے اس کے مرکد کی سرخ خاک دی، ٹھیک ہے جی، اور روایت کا تعلق جو غم حسین سے، لیکن یہ بات بھی کتب اہل سنت سے پوری طرح ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ نبی کریم اور دیگر محبوب ہستیوں کے لیے بھی روئے، صرف ان کے لیے نہیں، جیسے مثلا جناب حمزہ کے لیے رسول خدا نے گریا فرمایا، ٹھیک ہے جی. اب جناب آگے کہتے رسول کریم اور صحابہ کا حضرت آمنہ کی قبر پر رونا، ٹھیک ہے جی. صحیح مسلم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 605، حدیث نمبر 1090 اور الى آخر 1092 تک. ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے اور انہوں نے رسول خدا سے نقل کیا، یہاں پر جو اہل سنت کی کتب ہیں، ضعیف ہیں، مستند ہیں، اتھینٹک ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس کو منبع اہل سنت سے ان روایات کو جو ان کے ہاں موجود ہیں، جو ان کے اماموں نے، جناب امام حنبل نے، امام شافی نے، یا صاحب مسند نے لکھا ہے، یا جناب مشکات والے نے لکھا، یا سنن ابی داؤد والے نے لکھا، جو ماخوذ ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرنا چاہیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ روئے. رسول خدا اپنی والدہ کی قبر پر، جہاں پر یہ فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، جیسے ہم امام کی قبر مبارک پہ جاتے ہیں، رسول خدا کی قبر مطہر پہ جاتے ہیں، ہم اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں یا رسول کی بیٹی کی تکلیف کا پرسہ دیتے ہیں، غم جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں پر وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنت انبیاء جو ہے وہ کیا، رسول کریم اور صحابہ کا حضرت آمنہ کی قبر پر رونا. وہ کیا کہتے ہیں کہ والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ روئے اور جو آپ کے ساتھ تھے یعنی صحابہ